आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टूल्स फॉर मेजरिंग एटीट्यूड। हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स की बात की है, पर्सनालिटी नापने के लिए कौन से टूल्स की जरूरत होती है, इंटरव्यू हम सॉरी अपना इंटेलिजेंस कैसे नापते हैं, सब कुछ, लेकिन एटीट्यूड मेजरमेंट वाली बात रह गई थी। तो सबसे पहले हम जाने कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड देखिए, हम लोग बहुत दिन जनरल इस्तेमाल करते हैं कि फला तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है, तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुम अपना एटीट्यूड ठीक करो। तो एटीट्यूड का मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर बिलीफ के लिए कैसा हमारे मन में विचार है, हमारे सेट ऑफ इमोशंस क्या होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू के लिए, उसको एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड नापा कैसे जाए, तो उसकी जब पहली बार शुरुआत हुई तो हमको जो पढ़ना है हमारे कोर्स में, हमको पढ़ना है थर्स्टन स्केल और लिकर्ट स्केल। तो थर्स्टन ने सबसे पहले एटीट्यूड नापने की शुरुआत की थी। तो थर्स्टन ने 1928 में, आप कहीं कहीं किताब में देखेंगे तो मिलता है आपको थर्स्टन एंड शेव CHAVE, वहां पे आपको ये ईयर 1929 मिलता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्स्टन साहब ने 1928 में दिया, फिर उनके संग शेव जब मिल गए तो 1929 में इन लोगों ने बात की कि एटीट्यूड कैसे नापना है। तो थर्स्टन स्केल की जब बात होती है तो तीन स्केल्स की बात होती है। पहला मेथड ऑफ इक्वल अपियरिंग इंटरवल्स, फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटरवल्स और मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजंस। लेकिन जो थर्स्टन में सबसे पॉपुलर है और जिसकी हम लोग यहाँ बात करेंगे वो है इक्वल अपियरिंग इंटरवल्स। तो जानते हैं, देखते हैं कि कैसे थर्स्टन स्केल बनाया जाता है, एटीट्यूड नापने का थर्स्टन स्केल कैसे बनता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है वो कह रहा है डेवलप अ लार्ज नंबर ऑफ एग्री डिसएग्री स्टेटमेंट्स फॉर ए टॉपिक। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको आपके स्टूडेंट का एटीट्यूड मेजर करना है तो आपको उसके बहुत सारे एग्री और डिसएग्री स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये नापना चाहते हैं कि लाइब्रेरी के प्रति बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, तो हमको दोनों तरीके के स्टेटमेंट बनाने होंगे, मतलब एग्री भी और डिसएग्री भी। तो एग्री में क्या बनाएंगे, जैसे लाइब्रेरी बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, या लाइब्रेरी में बैठने के बाद हम वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। और जो उसके डिसएग्री या अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे कि लाइब्रेरी में बैठने पर समय फिल होता है, बहुत सारा हम समय बर्बाद करते हैं, तभी हमको हमारी मनमाफी किताबें नहीं मिलती हैं। तो दोनों तरीके के स्टेटमेंट हमको बनाने होंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल किसी भी टॉपिक के लिए, अगर हम एटीट्यूड नापने जा रहे हैं थर्स्टन स्केल के हिसाब से। फिर हमको जो दूसरी सबसे खास बात इसमें करनी है, हमको बनाना होता है एक पैनल ऑफ जजेस, यानी कि हमको जजेस का पैनल सेलेक्ट करना होता है। और उनको क्या करना होगा, जितने भी हम फेवरेबल और अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स बनाकर ले गए हैं किसी भी टॉपिक के लिए, उसको वो जजेस रेट करेंगे एक 11 पॉइंट स्केल पे। हैव अ पैनल ऑफ जजेस हु रेट द आइटम्स ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 11 फॉर हाउ फेवरेबल ईच आइटम इज टुवर्ड्स द टॉपिक। यानी कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके लिए हम स्केलिंग करने जा रहे हैं, जिसको हमको नापना है, जिसके लिए बच्चे का एटीट्यूड, तो वो जो पैनल होगा जजेस का वो सारे आइटम्स को 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके 11 तक रेटिंग देगा। कैसे देगा भी बात करते हैं। फिर क्या होगा कि जो दी लोएस्ट स्कोर है, दी लोएस्ट स्कोर 1 शुड इंडिकेट एन एक्सट्रीमली अनफेवरेबल एटीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी में बैठना मुझे कतई पसंद नहीं है, ऐसा जो एक्सट्रीमली अनफेवरेबल एटीट्यूड है उसको हम क्या दे देंगे, नंबर 1। और एंड दी हाईएस्ट स्कोर मींस 11 इसको मिलेगा, शुड इंडिकेट एन एक्सट्रीमली फेवरेबल एटीट्यूड। यानी कि जो सबसे फेवरेबल एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसको 11 पॉइंट्स हम 11th नंबर पे रखेंगे, और जो सबसे अनफेवरेबल होगा उसको 1 नंबर पे रखेंगे। इतना काम हो गया। यानी कि सबसे पहला हमने क्या किया कि बहुत सारे हमने फेवरेबल अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स बनाए, फिर एक जजेस का पैनल बनाया, फिर उस जजेस के पैनल ने उसको 1 से लेकर 11 तक के स्केल पर रखा। हमने नहीं रखा, जजेस ने रखा। क्यों? क्योंकि वो जो पैनल है, वो जो जजेस है, वो एक्सट्रीमली क्या है, एक्सपर्ट है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। फिर हम क्या करते हैं, जो खास बात जहां स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है कि फाइंड द मीडियम स्कोर एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर ईच आइटम। सबसे खास बात, हमको निकालना पड़ेगा हर आइटम के लिए उसका मीडियम स्कोर। यानी कि अगर हमारे स्केल में 50 आइटम्स हैं तो हमारे पास 50 मीडियम आ जाएंगे। मीडियम आप जानते हैं मीडियम क्या है, माध्यिका। माध्यिका किसको कहते हैं, वो पॉइंट जिसके ऊपर और नीचे आधे स्कोर लाई करते हैं, जानते हैं ना आपके पास। तो मीडियम निकालना पड़ेगा और सबके लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी पड़ेगी। अब क्वार्टाइल डेविएशन आप लोग को पता है, चतुर्थांश विचलन जिसको कहते हैं, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी कि अब आपका जो स्केलिंग है वो स्टैटिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और हर आइटम के लिए हमको 50 अगर आइटम है तो 50 मीडियम और 50 इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे,
sort the table in ascending order, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमको अपनी सारणी को व्यवस्थित करना है. कैसे बढ़ते हुए क्रम में? Smallest to largest. Smallest to largest कौन होगा? Median. यानी माध्यिका के बढ़ते क्रम में, यानी कि एक नंबर वाली माध्यिकाएं सारी एक साथ, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से. आगे देखिए, आगे वाली स्लाइड में आपको समझ में आ रहा है. ये देखिए, फॉर ईच सेट ऑफ मीडियन सॉर्ट द आईक्यूआर्स बाय डिसेंडिंग ऑर्डर. देखिए, आइटम नंबर अगर 45 है तो उसका मीडियन क्या है? एक. 33 का भी मीडियन एक, 12 का एक, 40 का एक, 17 का एक, 7 का एक. तो इतनों की मीडियन एक थी तो उनको हमने यहाँ स्थान दे दिया, फिर दो वाली को दिया, फिर तीन को देंगे, चार को देंगे, इस तरह से करते हुए 50 तक जाएगा. तो ये लंबा काम है. और फिर उसके हिसाब से हमको क्या करना है? इंटरक्वार्टाइल रेंज को भी अरेंज करना है, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ये ऊपर से नीचे जा रहा है और ये क्या जा रहा है? नीचे से ऊपर. तो ये खास बात है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, जिससे क्योंकि ये वर्बली मैनुअली नहीं हो पाएगा, कोई सॉफ्टवेयर की सहायता से हो पाएगा. तो ये आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है. अभी जब आप आगे रिसर्च करेंगे तो हो सकता है अगर आप किसी का एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं तब आपसे कहा जाए कि थर्स्टन स्केल इसमें लगाइए, लेकिन थर्स्टन स्केल सबसे पुराना है और उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, इसलिए थर्स्टन स्केल अब नहीं चलता है. जो मोस्ट पॉपुलर है, जो चलता है इस वक्त, वो लिकर्ट स्केल है, उसके बाद पढ़ेंगे. तो थर्स्टन स्केल और क्या कह रहा है कि सेलेक्ट फाइनल आइटम्स फॉर ईच मीडियन वैल्यू, यानी कि वो फाइनल आइटम जो वाकई हमको टेस्ट में रखने हैं उसकी हम क्या निकालेंगे? मीडियन वैल्यू निकालेंगे. फिर क्या करेंगे? That statements must be chosen who have most agreement between judges. यानी कि जो हमने पैनल ऑफ जजेस बनाया है, जिनको हमने कहा कि 1 से 11 तक तुम उसकी रेटिंग करो, तो जो आइटम ऐसे होंगे जिनमें जजेस का मोस्ट एग्रीमेंट होगा, मतलब मोस्टली उन जजेस ने उसको 5 नंबर पे दिया होगा, तो हम उसको रख लेंगे. ऐसा नहीं है किसी ने उसको 1 पे दिया और किसी ने 11 पे दे दिया है, वो सारे आइटम हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे फाइनल सेट में वो नहीं जाएगा. फिर फॉर ईच मीडियम वैल्यू दिस इज द आइटम विद द लोएस्ट इंटरक्वार्टाइल रेंज, यानी कि हर मीडियम के लिए जो सबसे कम इंटरक्वार्टाइल रेंज वाला आइटम होगा वो हम ले लेते हैं. ये इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं है, रूल ऑफ थंब है, मतलब आपकी आसानी के लिए बना दिया गया है. ठीक है, ये मीडियम वैल्यू के लिए लोएस्ट इंटरक्वार्टाइल रेंज वाला आइटम हमने ले लिया, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि रूल ऑफ थंब तो है, लेकिन ऐसा नहीं आंख बंद करके आपको उस आइटम को नहीं लेना है. अगर वो आइटम पुअरली वर्डेड और एम्बिगुअस है, यानी कि उसमें शब्दों की रचना सही नहीं है, उससे कोई भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो आप उसको छोड़ देंगे. और कौन सा लेंगे? एबव आइटम मस्ट बी चूजन, उसके पहले नंबर पे जो भी आइटम होगा वो हम ले लेंगे. ठीक, तो अगर हम एक बार समराइज करें थर्स्टन स्केल को, तो थर्स्टन स्केल में सबसे पहले हमने क्या किया? किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम नापने जा रहे हैं एटीट्यूड, तो हमने बहुत सारे फेवरेबल अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स बनाए. फिर हमने एक जजेस का पैनल सेलेक्ट किया, फिर उस जजेस के पैनल को हमने कहा कि आप उसको 1 से लेकर 11 पॉइंट पर उसको व्यवस्थित कर दीजिए. फिर हर आइटम के लिए हमने निकाला मीडियन और निकाला इंटरक्वार्टाइल रेंज. फिर हमने बनाई टेबल. टेबल कैसे बनाई? जिसमें मीडियन नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और इंटरक्वार्टाइल रेंज नीचे से ऊपर जा रही है. फिर हर मीडियन के लिए जो लोएस्ट इंटरक्वार्टाइल रेंज का आइटम था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर हम ऐसा सेलेक्ट करने में जो हम आइटम पाते हैं वो पुअरली वर्डेड है या एम्बिगुअस है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको अपने फाइनल सेट में स्थान नहीं देंगे और उसके ऊपर वाला ले लेंगे. और एक बात खास ध्यान रखनी होगी है कि हमको जजेस को बोलना पड़ेगा कि आपको अपना उसमें सेल्फ इंक्लूड नहीं करना है जब आप उसकी रेटिंग कर रहे हैं, जब आप उसको 1 से 11 पॉइंट स्केल पर स्थान दे रहे हैं, बल्कि वो जो आइटम बनाए गए हैं सिर्फ आपको उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, उनके गुण दोष के हिसाब से उसको स्थान देना है. तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट हो जाता है थर्स्टन स्केल में. क्या हो जाता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ जजेस influencing their placement of judgments in various positions on the scale cannot be ruled out because we all are human beings. जब हमसे कहा जाएगा कि ये पर्टिकुलर आइटम है आप इसकी रेटिंग कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम जरूर उसमें अपना सेल्फ इन्वॉल्व कर देते हैं. अगर हमको लगता है कि लाइब्रेरी में बैठना अच्छा है तो जरूरी हम जो उसके फेवरेबल आइटम होंगे उनको हाईएस्ट रेटिंग दे देंगे. अगर हमको लगता है पर्टिकुलर आइटम में लाइब्रेरी में बैठने से आपका समय बर्बाद होता है, आपको बुक्स नहीं मिलती हैं, आप दूसरे लोगों से गप करने लगते हैं वहां पे, तो वो उनकी रेटिंग हम खराब कर देंगे. यानी कि जो पैनल का सेल्फ है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए. ये थर्स्टन स्केल का एक सबसे बिगेस्ट डिफेक्ट बन जाता है. प्लस थर्स्टन स्केल इज टू टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत ज्यादा समय इसमें खराब होता है. पहले इतने आइटम बनाओ, फिर जजेस, फिर 1 से 11, फिर उनकी सॉर्टिंग, इतना स्टैटिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. इसीलिए थर्स्टन स्केल हट गया और अब लिकर्ट चलता है. फिर और क्या दोष है इसमें?
थर्स्टन स्केल लैक्ड इन यूनिडायमेंशनैलिटी, क्योंकि इसका डायमेंशन देखिए कहा तो जा रहा है कि इक्वल अपीयरिंग स्केल है ना, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में वही डिस्टेंस है जो 2 से 3 के बीच में, जो 3 से 4 के बीच में, पर ऐसा नहीं होता, ये इतना पॉसिबल नहीं है। फिर लास्ट में क्या है, इन स्पाइट ऑफ द डिफेक्ट्स थर्स्टन स्केल डेमोंस्ट्रेट्स ए टेक्निक टू मेजर एटीट्यूड इन ए रिलायबल मैनर, मतलब इतनी सारी इसमें कमियां हैं उसके बावजूद बहुत पॉपुलर हुआ थर्स्टन स्केल, और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिन्होंने एटीट्यूड को थर्स्टन स्केल की सहायता से नापा है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारा एटीट्यूड नापने का ये सबसे पुराना स्केल था, और इसलिए भी इसको पढ़ना जरूरी है कि 1928 में ही बन गया था, लगभग 100 साल पहले इस स्केल की रचना हुई और तब इस तरीके की बातें हो रही थी। फिर अब हम बात करते हैं उसकी कि जो कि पॉपुलर है, कौन सा, लिकर्ट स्केल। लिकर्ट साहब ने इसको बहुत आसान कर दिया, कैसे आसान किया देखिए, इन्होंने 1932 में क्या कहा कि डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड्स बाय आस्किंग पीपल, इन्होंने कहा कि हमको जजेस की जरूरत नहीं है, जजेस की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सिर्फ लोगों से बातचीत कर लेंगे किसी एटीट्यूड के लिए, टू रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट अ टॉपिक, मतलब हमारा कोई टॉपिक है उसके लिए हम सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स बनाएंगे और लोगों से बोल देंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे एग्री विद देम, मतलब कि लाइब्रेरी का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है, तो हमने लाइब्रेरी में पहला स्टेटमेंट लिखा कि लाइब्रेरी जाना अच्छा है, फिर दूसरा लिखा लाइब्रेरी जाना मुझे कतई पसंद नहीं है, तीसरा लिखा लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाती है, चौथा लिखा लाइब्रेरी में बुक्स नहीं मिलती है। तो हम जैसा चाहते होंगे लाइब्रेरी के प्रति हमारा जो एटीट्यूड होगा उस हिसाब से हम 1, 2, 3, 4, 5 उसकी रेटिंग कर देंगे। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनियर्स भरे हैं ना, अक्सर लोग हम लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं जरा इसको रेट कर दो, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर हम उसको बिना मन से भरते हैं, मतलब किसी को 1 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, उसमें बहुत ज्यादा अपना इंटेलेक्ट इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि लास्ट में पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो लिकर्ट ने ये माना, लिकर्ट साहब ने ये माना कि हम क्या करेंगे, किसी एटीट्यूड के लिए स्टेटमेंट्स बना देंगे और फिर जिसका एटीट्यूड नापना है उसी से उसकी रेटिंग करने को कह देंगे और वो अपना रिस्पॉन्स वहां पे रिकॉर्ड कर देगा। फिर लिकर्ट स्केल अज्यूम्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज लीनियर, मतलब लिकर्ट ये मान के चले कि जो हमारी इंटेंसिटी है किसी चीज के लिए, अनुभव का जो की तीव्रता है वो लीनियर होती, मतलब बढ़ती चलेगी 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन या रेटिंग स्केल भरे जिसमें क्या होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, मतलब हम सबसे ज्यादा असहमत हैं, फिर लगता है नहीं हम असहमत हैं, फिर लगता है नहीं हम न्यूट्रल है, ना असहमत है ना सहमत है, फिर सहमत है या पूर्णतः सहमत है। तो इतनी जो रेंज है, इतना जो माइन्यूट रेंज है, उसको हम लोग जनरली सही तरीके से रेट नहीं करते हैं। और क्या है, रेस्पॉन्डेंट्स मे बी ऑफर्ड अ चॉइस ऑफ 5 to 7 प्री कोडेड रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्स पहले हमको 5 या 7 स्केल का मिल जाता है और उसमें हमको क्या करनी पड़ती है, अपनी रेटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर फिर क्या है, 5 पॉइंट स्केल, जैसे मैं आपको बता रही थी, स्ट्रॉन्गली एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, 5 पॉइंट स्केल या 7 पॉइंट स्केल चलता है लिकर्ट का, जिसमें से ये वाला ज्यादा पॉपुलर है कि या तो आप किसी से पूर्णतः सहमत हैं या सहमत होंगे या उदासीन होंगे या असहमत होंगे या पूर्णतः सहमत होंगे। फिर क्या करते हैं इसके बाद, टोटल स्कोर फॉर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर ऑल दी स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ईच इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, यानी कि हमने क्या किया कि मान लीजिए 50 सवाल थे और उस पर ये 5 पॉइंट स्केल था, तो हर स्केल के लिए आपने 1 नंबर दिया 2 दिया 3 दिया 4 दिया 5 दिया, जो भी दिया लास्ट में हम उसको जोड़ लेते हैं, इसीलिए लिकर्ट के स्केल को स्केल ऑफ समेटेड रेटिंग भी कहा जाता है। समेटेड रेटिंग का मतलब जितनी रेटिंग आपने की लास्ट में हमने उसको क्या कर दिया, सम कर दिया, यानी योगात्मक, यानी लास्ट में हमने सबका जोड़ लेंगे, लेकिन सिर्फ जोड़ेंगे नहीं, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आती क्या आती है कि आफ्टर इंटरकोरिलेटिंग द स्कोर्स ऑफ ईच आइटम, यानी कि हर आइटम का हम क्या निकालेंगे, इंटरकोरिलेशन किसके साथ, विद द टोटल स्कोर्स ऑन ऑल द आइटम्स, यानी कि जो टोटल स्कोर है उसके संग हर आइटम का पहले इंटरकोरिलेशन निकालना पड़ेगा, और जो मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स होंगे उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे या जो लीस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग होंगे उनको हम इलिमिनेट कर देंगे, यानी कि आइटम एनालिसिस के बाद ये तय होता है कि कौन से आइटम आपके फाइनल स्केल में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। Only those items having highest correlations are retained for the final scale. यानी कि आपने पूरा उसमें statistics involve कर लिया, जिसका correlation सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है उसको तो आप अपने scale में रख लेंगे और जो items आपस में correlated नहीं है उनको आप discard कर देते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो ये बहुत आसान हो गया थर्स्टन से। थर्स्टन साहब तो बहुत सारा काम करा रहे थे, लिकर साहब ने इसको आसान कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। जैसे नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ यूनिट इन द लिकर स्केल, यानी लिकर स्केल में यूनिटी को इंश्योर नहीं किया गया है। और स्कोर्स ऑब्टेन्ड एट द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द स्केल आर यूजुअली मोर मीनिंगफुल, मतलब जैसे कि हम लोग को ये तो श्योर होता है कि हाँ इससे स्ट्रांगली एग्री करते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो बीच वाले स्केल है न्यूट्रल, जैसे कोई पॉइंट हमको समझ नहीं आता है तो छोड़ते हैं, न्यूट्रल लगा लो, यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट का जो हम रेटिंग करते हैं जनरली उसको सोच समझ के नहीं करते, तो ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंट है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, क्या कंफ्यूजन है, ये कह रहे हैं कि द मिनिमम स्कोर्स इन द लिकर्ट स्केल इंडिकेट फेवरेबल एटीट्यूड, यानी स्ट्रॉन्गली एग्री को 1 नंबर देते हैं और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 5 देते हैं, लेकिन जनरली हमारे मन में क्या चलता है कि 1 नंबर का मतलब कम नंबर तो वो अनफेवरेबल होगा और 5 नंबर का मतलब ज्यादा नंबर तो वो फेवरेबल होगा। तो यहाँ ये चीज उल्टी है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जो 1 नंबर है वो स्ट्रॉन्गली एग्री को दिया गया है और 5 नंबर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को दिया गया है, ठीक। और कोई जीरो के लिए नहीं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 का कंटिन्यूअम है। कंटिन्यूअम क्यों, क्योंकि लिकर्ट साहब ये मान के चले कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक लीनियर स्केल पे वैरी करता है, यानी कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7-पॉइंट स्केल भी चलते हैं लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है, 5-पॉइंट स्केल ज्यादा पॉपुलर है। तो ये और क्या, देयर इज नो डिनोमिनेशन ऑफ 0 पॉइंट इन दिस स्केल, इस स्केल में 0 पॉइंट की बात नहीं की गई है। ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो लिकर्ट स्केल के हैं, लेकिन इसके बावजूद लिकर्ट स्केल एटीट्यूड नापने का सबसे पॉपुलर स्केल है जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की रिसर्चेस में यूज होता है, यानी कि सोशल साइंसेज में अगर आपको एटीट्यूड नापना है तो सबको पता है एटीट्यूड नापना है तो लिकर्ट स्केल लगाना है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कि हम एटीट्यूड कैसे नापेंगे। पर्सनैलिटी नापने की हम बात कर चुके हैं, क्यों पर्सनैलिटी हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से नापते हैं। इंटेलिजेंस नापने की बात कर चुके हैं, स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, वेस्टर स्केल है और भी बहुत सारे। और क्रिएटिविटी की बात कर चुके हैं, बाकर मेहंदी का टेस्ट चलता है क्रिएटिविटी के लिए, टॉरेंस का टेस्ट चलता है। एटीट्यूड की बात रह गई थी, तो एटीट्यूड में 2 स्केल मेनली, थर्स्टन स्केल, लिकर्ट स्केल। थर्स्टन में क्या कमी है, लिकर्ट ने उसको कैसे दूर किया, और लिकर्ट में भी अभी तक क्या कमी रह गई है। तो सवाल जब पूछा जाता है आपसे तो पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड एंड हाउ, व्हाट इज द डिस्कस ए टूल फॉर मेजरिंग एटीट्यूड, या तो इस तरह से पूछेंगे तो आपको बताना है एटीट्यूड क्या है और आप थर्स्टन लिकर्ट में जो आपका बेहतर तैयार है वो बता दीजिए, या वो आपसे पूछेंगे हाउ थर्स्टन स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम लिकर्ट स्केल, तो आपको उन दोनों के अंतर बताने होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको एटीट्यूड नापने का टूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।